was centrifugation. Then you have done sublimation, and then you have done chromatography. Okay. हमने डिफरेंट टाइम हम चैप्टर कर रहे हैं इज मैटर अराउंड द स्फीयर द स्टूडेंट हु वर नॉट लिसनिंग इन द ऑनलाइन फॉर देम द चैप्टर इज मैटर ओके जसकरन अराउंड अ स्फीयर व्हाट इज मैटर जसकरन व्हाट इज मैटर स्पेस कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका उसी का मास है उसे हम मैटर कहते हैं ठीक लेमेन लैंग्वेज में हम प्योर सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें कोई भी मिलावट ना हो दैट वाज अ प्योर सब्सटेंस मगर केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस सिर्फ दो ही होते हैं बेटे या तो वो एलिमेंट्स होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं ठीक है Just I will give you 10 minute glance of the chapter and then we will move further on. ठीक I've studied a lot in online. So in the chemistry, in the 9th standard, जो pure substance हैं उनमें consider किया जाता है बेटे elements और compounds. अब ये elements और compound में क्या different है Element वो चीज है जो एक ही type के atom की बनी होती है जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आ जाते हैं जैसे आयरन आयरन एक मेटल मेटल है जो Fe का ही बना हुआ है सिर्फ Fe ही है दैट इज व्हाई इट इज अ एलिमेंट ठीक है अगर मैं कार्बन बोल रही हूँ तो सिर्फ C का बना है कार्बन वो नॉन मेटल है एक ठीक है डिटेल में हम जब रिवीजन करेंगे मैं फिर से समझाऊंगी फिर भी आप ग्लैंस लो आप क्या रहे हो ठीक है जो चीज एक ही एटम की बनी होती है उसे एलिमेंट कहा जाता है जो चीज दो या तीन एलिमेंट कंबाइन होके बनती है जैसे पानी पानी का फॉर्मूला क्या बचपन से लिखते आ रहे हो वाटर उसमें दो एलिमेंट है वन इज ऑक्सीजन अदर वन इज हाइड्रोजन जिस कारण हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो फिक्स है ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दुनिया में कहीं भी चले जाओ वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा हम ये नहीं कि हम किसी का फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं अगर मैं ये चौक में कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका फॉर्मूला CaCO3 ही रहेगा ये नहीं आप चेंज कर सकते हो आप किसी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते अब CaCO3 जब मैं बोल रही हूँ इसमें Ca जो कि कैल्शियम है C जो कि कार्बन है और O जो कि ऑक्सीजन है तो ये तीन एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है ठीक है मगर इसका फॉर्मूला यही रहेगा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट तो ये प्योर चीज है ठीक दिस इज कॉल्ड प्योर थिंग वो होती है जो एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं एलिमेंट एक ही टाइप के एलिमेंट के कंपाउंड्स में एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं मगर वो एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं रेशियो कभी भी नहीं चेंज करोगे कार्बन डाइऑक्साइड C2O2 कभी नहीं होगा वो CO2 ही होगा दुनिया में कहीं भी चले जाओगे वो आपको CO2 ही मिलेगा ठीक है गेटिंग माई पॉइंट फिर हम मिक्सचर की बात करी बेटे मिक्सचर में हमने टू टाइप के मिक्सचर की बात करी थी देवर होमोजीनियस एंड देवर हेट्रोजीनियस जब मैं नमक को पानी में घोलती थी आई विल टोल्ड यू दैट इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर क्योंकि मुझे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द वॉटर एंड लास्ट ड्रॉप ऑफ द वॉटर का टेस्ट सेम आता था क्योंकि जो NaCl है नमक है वो पूरे के पूरे वॉटर में सेम दिख रहा था होमो मीन सेम सेम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जब बात करते हैं दैट इज कॉल्ड होमो एक होता है हेट्रो जो सेम नहीं है जो नो यूनिफॉर्म है जैसे कि अगर मैं चौक को पानी में घोलूंगी तो नीचे की तरफ ज्यादा बैठेगा ऊपर की तरफ कम होगा दैट इज हेट्रोजीनियस ठीक अब आपने इस चैप्टर में होमोजीनियस में सिर्फ सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं जैसे नमक को पानी में घोला या कॉपर सल्फेट को वाटर में घोल दिया जो भी सॉल्ट सोडियम सल्फेट को वाटर में घोल दिया
ये सारे होमोजीनियस है। अगर कॉपर सल्फेट को मैं वाटर में घोलूंगी तो पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा, तब तक सेम कॉम्पोजिशन रहेगी जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता। सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है कि किस और सॉल्यूट जिसमें आप ऐड नहीं कर सकते, वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, ठीक। मगर सैचुरेटेड में भी आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, जब आप उसको गर्म करते हो तब सॉल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। फिर हमने हेट्रोजीनियस में दो चीजों की बात करी, जिसमें आपके कोलाइडल्स और सस्पेंशन आए। कोलाइडल्स हमें देखने में होमोजीनियस लगते हैं, जैसे कि मिल्क, जैसे कि ब्लड, मगर होते क्या है, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन हमें देखने में भी हेट्रोजीनियस लगते हैं, जैसे कि चौक को पानी में घोलो, ठीक है। फिर हमने ये मिक्सचर उठाए, हमने देखा कि इन मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ली। मैम प्लीज रिपीट व्हाट योर टीचिंग, आई एम जस्ट बेटे टेलिंग द प्रीवियस टॉपिक, आई हैव नॉट स्टार्टेड द न्यू वन। तो जो फर्स्ट टेक्निक करी थी हमने, इवेपोरेशन करी थी। इवेपोरेशन में हमने एक वोलाटाइल, वोलाटाइल वो जो उड़ जाए, और एक नॉन वोलाटाइल जो उड़े ना, उसको अलग किया था। जैसे मैंने नमक को पानी में घोला तो नमक उड़ नहीं सकता, मगर वाटर उड़ सकता है। और आपने एग्जाम्पल ली थी जो वाटर कंपोनेंट है इंक का, वो उड़ जाएगा, और डाई जो है वो इवेपोरेट नहीं कर सकती, वो नीचे रह गई थी। कोई भी आपको, आपको जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू विल सेपरेट आउट सैंड, NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंड, NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड। रुक जा। फिर उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक करी, जिसमें हमने बटर बनाया। उसको कहा कि हम बटर बनाते हैं उस टेक्निक से, कि बटर जो है वो फ्लोट करता है, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, हैवियर पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट टेक्निक, व्हेन अ मिक्सचर इज स्पन एट हाई स्पीड, द हैवियर पार्टिकल विल सेटल डाउन एंड लाइटर विल फ्लोट अप। दिस वॉज अवर सेंट्रीफ्यूगेशन। देन वी हैव डन सब्लिमेशन, इन विच वी हैव सेपरेट आउट टू वन वॉलाटाइल एंड अदर वन वॉज नॉन वॉलाटाइल, बट बोथ वर सोल्यू द हार्ड सब्सटेंस, द सॉलिड वन। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड लिया था और NaCl, तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम कर गया था, उड़ गया था, NaCl उड़ा नहीं था, ठीक है। और कौन सी कर ली, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल ये था कि हर सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व करता है, मगर किसी की अफिनिटी ज्यादा होती है और किसी की कम। ये चीजें हम कर चुके हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, सैंड, शुगर या सॉल्ट, NaCl और अमोनियम क्लोराइड मिल जाए तो आप कैसे सेपरेट आउट करोगे, MCQ में पूछा जा सकता है। सैंड, NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड, इसको सेपरेट आउट करने के लिए कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट दैट यू आर यूजिंग इन योर हाउसेस, ठीक। सो यू विल टेक अ बीकर, यू विल टेक अ बीकर विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ वॉटर, विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ वॉटर, उठा के उस बीकर में डाल देना। डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, नमक घुल जाएगा, ना सैंड घुलेगी ना अमोनियम क्लोराइड घुलेगा, वो भी घुलेगा क्योंकि अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, ठीक है। द अमोनियम क्लोराइड विल ऑल्सो डिजोल्व, रह गया क्या, सैंड। फिल्टर पेपर लोगे, सिर्फ सैंड अलग हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl जो बहुत सॉल्ट्स हैं, वो दोनों वाटर के अंदर चले जाएंगे, सब्लिमेशन कर सकते हो। फिर वाटर को इवेपोरेट करवा सकते हो, देन यू कैन सब्लाइम इट। सब्लिमेशन से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हाँ, तो सॉलिड में हम चेंज करेंगे ना, पहले उसको वाटर को अलग कर लेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करवा देंगे। अब जो नेक्स्ट टेक्निक करने जा रहे हैं बेटे, नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन
डिस्टिलेशन टेक्निक है टू मिजिबल टू और मोर भी कर सकते हो आप. देन वी विल गो टुवर्ड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. मिसिबल लिक्विड्स के लिए और इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, दो लिक्विड जो आपस में घुले, मिसिबल क्या होता है बेटे, वो लिक्विड इथेनॉल और वाटर आपस में घुल जाते हैं. अब ऐसे लिक्विड को अगर सेपरेट आउट करना हो तो जो टेक्निक यूज करेंगे हम डिस्टिलेशन करेंगे. जो चीज आपस में घुल गई, एक टेक्निक करी थी सेपरेटिंग फनल की, उस केस में जो दोनों लिक्विड थे वो आपस में घुलते नहीं थे. जैसे कि हमने ऑयल और वाटर की बात करी, ऑयल की लेयर ऊपर आ गई थी, वाटर के नीचे चली गई थी, वैसे पेट्रोल और वाटर भी मिसेबल नहीं होते, उनकी भी लेयर्स अलग अलग हो जाती हैं. उनका प्रिंसिपल था डिफरेंट डेंसिटीज. वो तो सॉलिड है, सब लिक्विड है. वेरी गुड. See, बेटे, this is the apparatus which is used for the distillation. Just see the apparatus first. इसमें इसे कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क. जो ये गोल सा मैंने पकड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि इसका बॉटम क्या है, राउंड. जब भी डिस्टिलेशन करवाई जाती है, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड की करवाई जाती है, और जो फ्लास्क है बिकर नहीं लिया जाता. ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इनमें से कुछ चीज इवेपोरेट नहीं होती, ये कवर्ड होते हैं एंड वाटर बाथ्स होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं. आई विल शो यू द वाटर बाथ व्हेन यू विल गो इन द लैब्स. ठीक है, सो दिस इज आरबीएफ. आरबीएफ इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क. एंड ये जो मैंने कनेक्शन दिया है, मैंने एक बेंड ट्यूब का कनेक्शन दिया है, और ये कंडेंसर, ये जो लगा हुआ है, दिस इज कंडेंसर. It is visible to everyone, condenser. The online students also. अब दो मिसिबल लिक्विड हैं, कौन कौन से? जैसे कि इथेनॉल हम वाटर ले लें बेटे. We have taken ethanol and water. ठीक, दोनों आपस में घुल गए. अगर मैं आपको उनको बोल लूं कि इसको अलग करके दिखाओ, आप बोलोगे कैसे करें, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है. अगर मैं वेपोरेट करने रख दे तो दोनों ही वेपोरेट हो जाएंगे. अगर ओपन में रखोगे तो दोनों ही वेपोरेट कर जाएंगे. तो प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट. अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो दैट इज 78. अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो दैट इज 100. अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये आरबीएफ है, इसमें मैंने दोनों मिक्स करके डाल दी. ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बेटे कम होगा वो जल्दी वेपोरेट करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा होगा वो नीचे रह जाएगा. ठीक है, जिसको गुस्सा ज्यादा होता है, उबलता ज्यादा है ना, एंगर ज्यादा आ जाती है, खून खोल जाते हैं, तो वो लिक्विड ऊपर ऊपर ही उछलता रहता है, उसको स्टेबिलिटी नहीं है. हाँ, तो बेटे आप अलग जब आएगी बीकर में कलेक्ट होगा तब आप उसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो ना. Then you can study the properties. अब आपने ethanol और water लिया दोनों. ठीक है, अब दोनों का boiling point different है, एक का 78 है और एक का 100 है. ठीक है, अगर जिसका boiling point कम है उसको उबाले कम आते हैं, ठंडा रहता है, boiling point कम है वो जल्दी boil होता है, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है. जिसका boiling point ज्यादा है वो शान नीचे बैठा रहेगा. अब ethanol है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब उसको थोड़ी सी हीट देने की जरूरत है ना. जिस बच्चे को थोड़ा सा गुस्से से बोलने की जरूरत है वो जल्दी उबल जाना है, उसने ऊपर आ जाना है फटाफट. ठीक है,
और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो आरबीएफ में रह जाएगा। किसका ज्यादा है, किसका कम है, कितना इथेनॉल का, कितना वाटर का। अब आरबीएफ से, आरबीएफ यहाँ कनेक्टेड है, अब मुझे दोनों चीजें होल्ड करना मुश्किल है, दैट इज व्हाई आई एम होल्डिंग वन। यहाँ पे आरबीएफ था हमारा, हमने नीचे यहाँ पे बीकर रखेंगे और बर्नर रखेंगे विद द ट्राइपॉड स्टैंड एंड विद द वाटर बाथ। मैं सीधा जो अपना इथेनॉल है सीधा फ्लेम के ऊपर नहीं रखेंगे, सीधा नहीं रखते कभी भी। इथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू स्टडी इन क्लास 10th। सो इट इज नॉट, इट इज अ हाईली इनफ्लेमेबल, विल कैच फायर। आपने देखा होगा जो आपके डीओ वगैरह में इथेनॉल ये सैनिटाइजर यूज करते हो, दैट इज इथेनॉल। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बेटे लैब में वर्क करते हैं, कभी भी उनको डायरेक्ट हीटिंग नहीं देते क्योंकि दे विल कैच फायर। उनके लिए लैब्स में आपके पास वाटर बाथ अवेलेबल होती हैं। वाटर बाथ क्या होता है, एक कटोरा सा टाइप होता है, आजकल तो इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ्स आ जाते हैं जिसमें 12-24 वाटर बाथ इकट्ठे लगे होते हैं, 24 इवन 30 तक। ठीक है, वाटर अंदर होता है, वाटर बॉयल करते हैं, उस वाटर की हीट से आपकी आरबीएफ को हीट मिलती है, डायरेक्ट हीटिंग नहीं देते हो क्योंकि डायरेक्ट इट विल कैच फायर। आजकल इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ्स हैं, इन योर लैब देयर इज नो इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ बट इट इज देयर इज अ वाटर बाथ विद द हेल्प ऑफ बर्नर। ठीक है, अब इथेनॉल, पहले इथेनॉल पहले ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ये दो आपको ये इनलेट्स ये नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, यहाँ पे एक पाइप लगी होती है, हियर ऑल्सो देयर विल बी अ पाइप। ठीक है, इन पाइप का काम क्या, ध्यान से कंडेंसर को देखो बेटे, एक अंदर की तरफ ट्यूब जा रही है और एक बाहर की तरफ है, जैसे आपके पेन में एक रिफिल है और बाहर का कवर है। ठीक है, जो इथेनॉल है वो अंदर वाली रिफिल में जाएगा, इवेपोरेट होके अंदर वाली चीज में जाएगा इथेनॉल, बाहर वाली में नहीं। बाहर वाली में इधर से वाटर रन करेगा जो टैप के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक, और यहां से जो पानी गर्म होगा क्योंकि ये आरबीएफ के पास है, यहां से पानी जल्दी गर्म होगा, यहां से गर्म पानी बाहर निकलेगा। यहाँ पे जो पाइप है ये आउटलेट है और ये क्या है, इनलेट। हाँ ठीक है, तो यहां से आप पानी डालोगे विद हेल्प ऑफ पाइप, दिस पाइप विल बी कनेक्टेड टू अ टैप। टैप से जनरली उतना पानी सफिशियंट होता है बेटे जी कि इसको कूल डाउन कर सके। ठीक, दिस पाइप विल बी इन द सिंक, जो पानी वेस्ट हो रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इथेनॉल आई यहाँ पे वेपर्स की तरह वेपर्स कलेक्ट हो गए, यहां से इधर आप नीचे बीकर प्लेस कर दोगे। ठीक है, हियर यू विल प्लेस अ बीकर और इस बीकर में आपकी इथेनॉल कलेक्ट हो जाएगी और आरबीएफ में क्या रह जाएगा, वाटर। ठीक है, तो डिस्टिलेशन किस लिए हमने यूज करी, डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट आउट टू मिसिबल लिक्विड, बट द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन इज देयर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट इज सेम देन यू कांट सेपरेट आउट, and if the boiling point is different then only you can separate out. If boiling point is less than 25 or so on, like ethanol and water ka case karein, lab mein jab ethanol aur water hum separate out karte hain to simple condenser se separate out kar lete hain, but kuch hum ye keh dein ki kuch water molecule bhi ethanol mein aa jate hain, hame pure ethanol nahi milti. Agar humne pure ethanol leke aani hai to hum fractional distillation nikalte hain. So what is the difference between a simple distillation and a fractional? बोलो बोलो the process of distillation that depends on the boiling point of the crucible liquid is more than 50 degrees.
15 या 25 तो बहुत ज्यादा होना है, मतलब मैं 50 इथेनॉल और तो वाटर को सेपरेट आउट ही नहीं कर सकती मैं, तो कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तब क्यों लगाना हमने। बेटे देखो अगर दो चीजों को हमने सेपरेट से टाउन, दो चीजों को इथेनॉल और वाटर को सेपरेट आउट कर रहे हो, ये सिंपल डिस्टिलिंग कॉलम है, इसको वैसे कहते हैं रिफ्लक्स। अगर हम सीधा लगा देना इसको क्वाइट आरबीएफ के ऊपर सीधा लगा दें, नहीं कुछ नहीं होगा। इफ आरबीएफ जो भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती है वो ऐसे होती है, ये आरबीएफ के ऊपर सीधा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, मान लो मैंने इथेनॉल का सॉल्वेंट लिया, अगर मैंने ओपन बीकर में रिएक्शन करवाई इथेनॉल उड़ जाएगा। जैसे घर पे अगर मम्मा सब्जी बना रहे हैं ना और कुकर में पानी डाल दिया और पानी कुकर खुला छोड़ दिया तो सब्जी जल जानी है, उसको कवर करके रखते हैं कि स्टीम बने अंदर, ठीक है। इन द सेम वे बेटे जब भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन करवाई जाती है तो कुछ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, वो जनरली वोलाटाइल ही होते हैं जैसे इथेनॉल है, ठीक है। तो ऐसे ऊपर कंडेंसर लगाए जाते हैं क्योंकि जो इथेनॉल उड़ेगा वो नीचे वापिस आ जाता है, ठीक है। अगर ओपन में करोगे तो इथेनॉल उड़ जाना है, कंडेंसर लगा होगा तो इथेनॉल उड़ेगा नहीं, ऊपर जाएगा वापिस आ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो जब डिस्टिलेशन करते हैं इसको टिल टिल कर देते हैं ऐसे, ठीक है, कि आप अलग अलग कलेक्ट कर लो। अच्छा अब ये तो होगी सिंपल डिस्टिलेशन की बात, अब बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज वेरी लेस तब हम सिंपल कॉलम यूज नहीं कर सकते। तब मान लो इस कॉलम में मैंने मार्बल डाल दिए, इस कॉलम बंटे खेलते हो ना वैसे डाल दिए, कॉलम के अंदर इसको बीडिड कर दिया जाता है, इस कॉलम को क्या कर दिया जाता है, बीडिड, मतलब छोटी छोटी ग्रूव्स लेके आ जाते हैं और इस कॉलम को बड़ी करके एक सीधी ट्यूब है, एक सीधा रास्ता आप आराम से जा रहे हो। अब इस रास्ते में मैं बड़ी बड़ी फुटबॉल रख दूं और आपको बोलूं मैंने बीच बीच में से जाना है आपने, तो आपको टाइम लगेगा ना जाने में, लगेगा। इन द सेम वे अंदर वाली ट्यूब को मैंने बीडिड कर दी, उसको बैंड्स लेके आ गई अंदर, ठीक है। अब उससे क्या होगा, बीड्स आने से अब आराम से जो इवेपोरेट कर रहा है वो धीरे धीरे जगह बना के ऊपर जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम करती है काम। जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बेटे बहुत कम हो जाता है बीड लगे होने के कारण, ठीक, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक। ऊपर वाला नीचे वाले लिक्विड से ज्यादा सेपरेट आउट हो जाएगा क्योंकि इसको टाइम लग रहा है ऊपर चढ़ने में, और जैसे जैसे टाइम लग रहा है ऊपर ऊपर कंडेंस होता जा रहा है और उसका कॉलम अलग बन जाएगी। अब ये अलग निकलना शुरू हो जाएगा, पहले यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगी होगी, इसको आप टी ट्यूब से आगे आगे एक और ऐसी लगी हुई, ये मान लो ये बीडिड है, दिस इज बीडिड वन, ठीक है। इसके आगे एक और आप ऐसी सेम लगाओगे, ये बीडिड वन है, इसके आगे सेम ऐसी लगेगी, बीडिड वन से ये वेपर्स धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। सेम वाली से ये वेपर फिर से कंडेंस होने शुरू होंगे, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले डिफरेंस, क्योंकि बेटे अगर कोई चीज सीधी आएगी, मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 78 है और दूसरे का 85 है, अभी 78 वाला ऊपर चढ़ा नहीं कि 85 वाला भी ऊपर आ गया तो इकट्ठे हो जाएंगे ऊपर जाके। अब 78 वाला आया है उसको निकलने में टाइम लग रहा है, वो ऊपर जाके कंडेंस हो रहा है, जो 85 वाला भी नीचे ही है उसको टाइम लगेगा अभी आने में ऊपर, क्योंकि आपने बीड्स बना दी अंदर। अब उसको 85 वाले को थोड़ा टाइम लगेगा तो वो थोड़ा नीचे रह जाएगा, समझ आ रही है। तो दैट इज व्हाई फ्रैक्शनलिटिंग कॉलम इज देयर, आगे समझ।
हाँ वो जला गया। अब जिसका देखो ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं बॉइलिंग पॉइंट में, दोनों ही चढ़ रहे हैं, पर वो जगह पात ऐसा है कि दूसरे को आने में टाइम लग रहा है ऊपर। होता है तो ये वाला करते हैं, नहीं तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज, सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हो बेटे, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट आउट टू मिसिबल लिक्विड, ठीक। एंड देयर शुड बी, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द डिस्टिलेशन? द प्रिंसिपल बिहाइंड द डिस्टिलेशन इज द प्रिंसिपल इन बॉइलिंग पॉइंट। सी बेटे, द पेपर इज ऑफ एमसीक्यू टाइप, सो यू शुड नो द वेरियस एग्जाम्पल्स, you should know the various principles rather than cramming each and everything. What is the funda behind learning the chemistry? To conceptualize your knowledge rather than cramming. Chemistry ko jitna cram karoge isse bada dushman nahi hai, aur jitna isko samajh loge na isse bada dost bhi nahi, isse number bade aate hain. अगर बच्चे को ये ही नहीं पता होगा कि मिसिबल लिक्विड कौन कौन से हैं तो वो कैसे सेपरेट आउट करेगा। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, एग्जाम में एसीटोन एंड वाटर भी आ सकती है। व्हाट इज एसीटोन? नेल पॉलिश रिमूवर, और दोनों वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। जो चीज दोनों मिसिबल होंगे कोई भी लिक्विड आ सकता है। अब जैसे मैंने आज क्यों एग्जाम्पल बोली पेट्रोल एंड वाटर की, पहले क्यों नहीं बोली? क्योंकि खुद थोड़ा दिमाग चलाया करो अब, क्योंकि मैंने अभी जब ड्रिलिंग करनी है मैंने और भी आपके सामने एग्जाम्पल्स लेके आनी है। आपको ये जो आते पड़ी हैं, जो बोर्ड पे टीचर ने लिखा है कि हमने वही याद करनी है, छोड़ दो। जितनी नॉलेज कंसेप्चुलाइज करोगे डे टू डे लाइफ में, एग्जाम्पल्स उठाओगे, लिसन टू मी केयरफुली बेटे, द स्टूडेंट हु वॉन्ट टू टेक NTSC, हु वॉन्ट टू टेक मेडिकल और नॉन मेडिकल, You are doing nothing in ninth. Chemistry का सी भी नहीं सीखा, इवन इन द टेंथ। मेन केमिस्ट्री ही 11th, 12th में शुरू होती है। ये तो फन है, इसको जितना आप समझ लो समझ लो, और इस भाई तो आने ही एक ही चैप्टर है, उसको ही मैंने बोली जाना है बारी बारी। इज मैटर अराउंड अस प्योर, फर्स्ट इज डिडक्टेड। देख लो बोर्ड आपको कितना नलायक समझता है, बस नहीं है, नथिंग इज बस। अब इसके अलावा बेटे टेक्निक फिल्ट्रेशन भी है, ठीक है। बचपन से करते आ रहे हो, चाय से पत्ती कैसे अलग करते हैं फिल्ट्रेशन से, सैंड से वाटर कैसे अलग करते हो फिल्ट्रेशन से। अब ये नहीं है कि मैम ने तो क्लास में करवाया नहीं, पेपर में आ गया हाउ यू विल सेपरेट आउट सैंड और वाटर, ये मैम क्लास में करवाएं। यस डिकेंटेशन, यस देखो दिमाग यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। देन वन टेक्निक इज नोन एज बेटे क्रिस्टलाइजेशन, विल टेक ओवर टुमारो आल्सो। व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? The principle behind the crystallization is ki to prepare the pure crystal from the impure sample, and that impure sample can dissolve in the water. Sirf and sirf the substance will dissolve in water, the impurities will be insoluble or any kind of the solvent. Like if I have taken copper sulfate, main aapko impure copper sulfate de do, agar mujhe pure karke do, theek hai, आपने कुछ नहीं करना, बिकर लेना है, बिकर में कॉपर सल्फेट ऐड करते रहना वाटर में, ठीक है। जब वाटर में डिजोल्व करते रहना, और बिकर आपका गरम, साथ में वाटर को गरम करना है, ठीक है। और तब तक, और मैंने सुनी है टेक्निकल, और घर के घर पे ना आप NaCl की क्रिस्टलाइजेशन करके देखना, नमक की, नमक निर्मा सोडियम कार्बोनेट होते हैं, बेसिस है वो।
अब हमने कॉपर सल्फेट लिया, विल डिस्कस टुमारो ऑल्सो। कॉपर सल्फेट लेना है बेटे, वाटर लिया आपने, थिंक इसको सोचो, बीकर है मेरे हाथ में, पानी डाल लिया मैंने उसमें, बीकर मैंने किसके ऊपर रख दिया, फ्लेम के ऊपर रख दिया, कॉपर सल्फेट ऐड किया उसमें। तब तक मैंने ऐड करते जाना है जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता। अब ये पता करने के लिए कि मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुआ है, मैं रोड डाल के देखूंगी, अगर रोड ठंडी हो गई उसके ऊपर कॉपर सल्फेट अपियर होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब सैचुरेटेड हो गया। अब उसको हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर में गंदगी अलग हो जाएगी, बीच में क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को ठंडा होने के लिए रख दोगे ओवरनाइट, तो आपको क्रिस्टल्स अपियर हो जाएंगे सुबह, घर जाके करना नमक के साथ, नमक को पानी में घोलना, ठीक है, उसके बाद उसको छान देना, दो चम्मच ले लियो, पानी कम ले लियो, सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है, फिर फिल्टर कर लियो, फिर ठंडा करने के लिए रख देना, सुबह सुबह उठ के NaCl के क्रिस्टल्स रेडी हो जाएंगे आपके, क्योंकि वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और नीचे क्रिस्टल अपियर हो जाएंगे, और इम्प्योरिटी हमने फिल्ट्रेशन से अलग कर ली। वॉट द पॉइंट? सो द चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय टुमोरो, एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंडे मंडे देयर विल बी द रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विद एमसीक्यू टेस्ट। रोज हुआ करेगा एमसीक्यू टेस्ट, और छोटे छोटे टॉपिक मैं रोज दिया करूंगी आपको कि कल इतना पढ़ के आना है, और एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे तभी आपकी प्रेपरेशन होगी। एंड जो एक्टिविटी दी जाती है, डोंट टेक एज बर्डन, टेक एज अ फन एंड डू दैट बस। तो टेंशन में बहुत आ जाते हो आप हर चीज में, म्यूट कर दो क्यों। कर दे।